नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिले मुशायरा। आपको भी तो रहता है इंतज़ार हर शाम, वीकेंड की शाम को महफिले मुशायरे का, और आप भी जानते हैं अपने शहर के, अपने देश के नामचिन शायरों को। आज की महफिल में भी जिन शायरों को मैं लेकर आई हूँ, जो हमारे मेहमान शायर हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूँ। राष्ट्रीय स्तर के, क्षेत्र स्तर के ऊपर उठ के राष्ट्रीय स्तर तक जाना पहचाना नाम है। बड़े बड़े मुशायरों पे शिरकत करते हैं, मुशायरों में, और बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते हैं, टीवी हो, रेडियो हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी का माध्यम हो, सभी मंचों पर अपनी शिरकत कर चुके हैं। अखबारों में, पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रहती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इन्होंने अपनी शायरी का दम ना दिखाया हो, कोई भी इलाका ऐसा नहीं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारी महफिल का हिस्सा हैं। और आप जानते हैं कि हर बार मैं अपने प्रांगण में, जस्ट टीवी के प्रांगण में उतारती हूँ चार चांद, और आज जो चार चांद आपके समक्ष बैठे हैं, ये शहर के सबसे खूबसूरत, सबसे बेहद अच्छा लिखने वाले शायरों में से अपनी जो है अपनी पहचान रखते हैं उन शायरों में, और मैं छांट कर लाई हूँ इनको। और अब आप ये मत समझिएगा कि छटे हुए शायर हैं और जी हाँ, इनकी शायरी ही आपके आपको बता देगी कि इनका मुकाम क्या है, क्या दखल रखते हैं, क्या काबिलियत है, क्योंकि इनकी शायरी का जो अंदाज़े बयां है, इनके जो अल्फाजों की अदायगी है, वो सीधा सीधा आपके दिल तक दस्तक देने वाली है, दिल पर। और आप भी कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि यकीनन आप सभी में से किसी न किसी का कोई शेर आप कोट करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी में कभी न कभी कहीं तो काम आएगा। और महफिल को आगाज़ करते हैं, महफिल को जो है रोशन करते हैं इस विश्वास के साथ कि है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करें, है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करें, जीवन के प्रांगण से तीर गी हरें, उमंग उल्लास जोश है बहुत, आओ गजलों से रोशन ये महफिल करें, आओ गजलों से रोशन ये महफिल करें। और दोस्तों, मैंने जितना शायरी को समझा है, मैं तो यही कहूंगी कि ठिठुरती जीवन को सुनहरी धूप है शायरी, और दिल की धड़कनों पर बसता एक संगीत है शायरी। और दोस्तों, हुस्न की तारीफ हो या मिलन का एहसास, प्यार का इजहार हो या दुनिया की बात, बहुत सलीके से, कम शब्दों में, बहुत बेहतरीन तरीके से दिल तक पहुंचाते हैं हमारे आज के शायर। तो मैं तारुफ से जो है आगाज़ करती हूँ, मैं आपका अपने शायरों से आपका परिचय कराती हूँ, या यूँ कहिए इनका परिचय आपसे करवाती हूँ, क्योंकि जब आप शायरी सुनेंगे तो यकीनन आपको ये भी रहेगा कि इनका नाम क्या है। तो नाम का जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि शायरी को कोट करना। तो दोस्तों, तारुफ करवाती हूँ और शुरुआत करती हूँ परिचय से। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं नवीन नीर जी, बहुत बेहतर कहते हैं, और मैं यकीन के साथ हूँ, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, जब ये अपना अंदाज़े बयां शुरू करेंगे तो आप जान जाएंगे कि मायार क्या है। और मेरे दाई ओर बैठे हैं डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी, आप भी राष्ट्रीय स्तर का जाना माना नाम है, गज़ल नज़्म सभी कहते हैं। और नवीन नीर जी के ठीक बगल में बैठे हैं राजवीर राज साहब, आप भी गज़ल बहुत अच्छे अंदाज में कहते हैं। और इधर डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी के साथ बैठे हैं प्रोफेसर कृष्णकांत सारथी जी। तो दोस्तों, हो चुकी है शुरुआत आगाज़ की शायरी की, क्योंकि तारुफ हो चुका है हमारे शायरों से, और मैं परिचय तो करवा ही चुकी हूँ, तो अब देर कैसी। अपने शायरों से दावत सुखन के लिए आग्रह करती हूँ, और इस कड़ी में सबसे पहले शुरुआत करती हूँ नवीन नीर जी से। दोस्तों, मैं नवीन जी के बारे में बता दूँ, नवीन राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े मुशायरों में शिरकत करते हैं, बड़े बड़े शायरों के साथ अपनी जो है अदायगी करते हैं, बहुत जाना पहचाना नाम है। और मैं एक शेर से इनका अंदाज़े बयां पेश करती हूँ, कुछ इस अंदाज में कहते हैं कि जिसने जवाब देना गवारा नहीं किया, हमने उसे सलाम दोबारा नहीं किया, दिल के सिवा, नज़र के सिवा, रूह के सिवा, हमने किसी से जिक्र तुम्हारा नहीं किया। इनका अंदाज ही कुछ ऐसा है, और मैं दावत सुखन देती हूँ नवीन नीर जी को। जी।
जी नवीन। जस टीवी को मेरा आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मी जी। गजल का मतलब चंद अशआर से सफर का जी आगाज करता है। जी जी। लगी है भीड़ दरख्तों की फिर भी साया नहीं, लगी है भीड़ दरख्तों की फिर भी साया नहीं, मैं तेरे शहर में ये सोच के आ पाया नहीं, मैं तेरे शहर में, मैं तेरे शहर में ये सोच के आ पाया नहीं, अभी से आ गए लेकर वो हाथ में पत्थर, अभी से आ गए लेकर वो हाथ में पत्थर, अभी तो मैंने उन्हें आईना दिखाया नहीं। अभी से आ गए लेकर वो हाथ में पत्थर, अभी तो मैंने उन्हें आईना दिखाया नहीं। क्या बात है। हमारी आंख के आंसू अभी अधूरे हैं, हमारी आंख के आंसू अभी अधूरे हैं, अभी एक शख्स है जिसने हमें रुलाया, हमारी आंख के, हमारी आंख के आंसू अभी अधूरे हैं, अभी एक शख्स है जिसने हमें रुलाया नहीं, रुलाया नहीं। अच्छा। अभी भी हौसला है, मुस्कुरा रहा हूँ मैं, अभी भी हौसला है, मुस्कुरा रहा हूँ मैं, ये दिल को तूने अभी ठीक से दुखाया नहीं। अभी भी हौसला है, अभी भी हौसला है, मुस्कुरा रहा हूँ मैं, ये दिल को तूने अभी ठीक से दुखाया नहीं। उसे मैं दोस्त समझता हूँ ये गनीमत है, क्या बात है। उसे मैं दोस्त समझता हूँ ये गनीमत है, कभी भी काम मेरे आज तक जो आया है। उसे मैं दोस्त समझता हूँ ये गनीमत है, कभी भी काम मेरे आज तक जो आया नहीं। लगी है भीड़ दरख्तों की फिर भी साया नहीं, मैं तेरे शहर में ये सोच के आ पाया नहीं, अभी से आ गए लेकर वो हाथ में पत्थर, अभी तो मैंने उन्हें आईना दिखाया नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। देखिए दोस्तों, ने कहा था कि आप कागज और कलम लेकर बैठ जाइए और दिल थाम कर भी बैठ जाइए, क्योंकि आज जो शायर महफिल में है, एक एक शेर सीधा आपके दिल तक आ रहा है। और आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है, क्योंकि शायर लिखता है लेकिन हाल दिल तो वो आपका भी होता है। और मैं इस कड़ी में आगे बढ़ती हूँ प्रोफेसर कृष्णकांत की ओर। जी हाँ, प्रोफेसर कृष्णकांत प्रोफेसर हैं और गज़ल नज़्म कविता लिखते हैं, कहानी में भी दखल रखना शुरू कर दिया है और मंचों पर पढ़ते हैं और बहुत खूबी से जज्बातों को बयां करते हैं, उकेरते हैं कागज़ पर। और मैं दावते सुखन देती हूँ कृष्ण जी को। और आप इनके कद काठी पे मत जाइएगा, मासूम सा बच्चे सा दिल है इनका, और क्योंकि इनका बिल्कुल मासूम बच्चे सा दिल है, और क्या मासूम शायरी भी करते हैं, तो इनका अंदाज कुछ ऐसा है कि अपनी महबूबा से कहते हैं कि चाय खत्म होने तक तुम रुकने का वादा करो बस, चाय खत्म होने तक तुम रुकने का वादा करो बस, मैं आखिरी घूंट भी आखिरी सांस तक पीऊंगा, मैं आखिरी घूंट भी आखिरी सांस तक पीऊंगा। कितनी मासूमियत है शायरी में, अंदाज में, वैसा ही इनका अंदाज है, भोलापन है। जी, दावत सुखन देती हूँ प्रोफेसर कृष्ण कुमार कृष्ण सारथी जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सखी जी आपका, मुझे आज शिरकत करने का आपने मौका दिया। जी, पेशी खिदमत है एक मुकम्मल गजल। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने मौका नहीं दिया सारथी जी, हमारे जो जस टीवी के दर्शक हैं उनकी फरमाइश पर होता है ये कार्यक्रम और उन्हीं के आग्रह पर आपको आमंत्रण दिया जाता है। जी, सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पेशे खिदमत है एक मुकम्मल गजल। जी, स्वागत है। मतलब पेश करता हूँ। जी, जिंदगी ख्वाहिशों की नजर हो गई। क्या बात है। जिंदगी ख्वाहिशों की नजर हो गई, शौक की मेरे सबको खबर हो गई। क्या बात है। बहुत अच्छे। जिंदगी ख्वाहिशों की नजर हो गई, शौक की मेरे सबको खबर हो गई, कातिलाना नजर हम सफर हो गई। अच्छा। कातिलाना नजर हम सफर हो गई, वो नजर ही मेरी रह गुजर हो गई। क्या बात है। वाह वाह वाह। कातिलाना नजर हम सफर हो गई, वो नजर ही मेरी हम सफर हो गई, कत्ल तूने किया मेहरबानी तेरी। क्या बात है। धन्यवाद दिया जा रहा है। कत्ल तूने किया मेहरबानी तेरी, तेरे तीरे नजर से सहर हो गई। क्या बात है। तेरे तीरे नजर से सहर हो गई। बहुत अच्छा। जी जी,
कत्ल तूने किया मेहरबानी तेरी, तेरे तीरे नजर से सहर हो गई, एक नजर की असीरी जवां क्या हुई, एक नजर की असीरी जवां क्या हुई, जिस्त की बंदिशों में गुजर हो गई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। एक नजर की असीरी जवां क्या हुई, जिस्त की बंदिशों में गुजर हो गई, इस अदा से नजर सारथी से मिली, इस अदा से नजर सारथी से मिली, इश्क की इस जहां को खबर हो गई। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत। इस अदा से नजर सारथी से मिली, इश्क की इस जहां को खबर हो गई, जिंदगी ख्वाहिशों की नजर हो गई, शौक की मेरे सबको खबर हो गई, शौक की मेरे सबको खबर हो गई। आपकी गजल, आपकी गजल के माध्यम से हम सबको भी खबर हो गई है। जी दोस्तों, ये होती है खबरें दिल की, शायरों की जुबानी, और जब आप तक आती हैं तो सबको खबर हो ही जाती है। और प्यार तो छुपाए नहीं, छुपता नजर सब बोल देती है ना, ये मोहब्बत दिलों के राज खोल देती है, हजरत साहब कहते हैं। और राज साहब भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका तलफ़ुज़, इनकी अदाई, प्रेजेंटेशन, सब आज जो है इनका अंदाज़े बयां आप तक सीधा सीधा जाएगा। दिल की शायरी करते हैं और बहुत अंदाज से करते हैं, और जाना पहचाना नाम है, चेहरा है, आप भी राष्ट्रीय स्तर पर हैं, यानी आज हमारे चारों चांद जो हैं राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं, सभी मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर शिरकत करते हैं। तो मैं इस बात को चाहे दोहराऊँ या ना दोहराऊँ, तो आप जान लीजिए कि आज आप जो है पूरे भारत दर्शन कर रहे हैं आज इस मंच के माध्यम से। और मैं दावत सुखन देती हूँ राजवीर जी को, और उनके शेर से भी कहूँगी, एक उनके अंदाज का शेर है कि कुछ इस तरह का अंदाज है उनका, मैं इनके लिए भी कहूँगी कि आप इनके कद काठी पे इनके भी मत जाइएगा। इनके भोले भाले दिल हैं, बहुत नाजुक हैं, इनके अंदाज देखो। कहते हैं कि तमाम उम्र गुजार देंगे हम राह इंतजार में, तमाम उम्र गुजार देंगे हम राह इंतजार में, झूठा ही सही तुम आने का वादा तो करो, यानी इतने भोले हैं, कहते हैं झूठा ही सही तुम आने का वादा करो। और अपनी शायरी में तो क्या खूब कहते हैं कि नजर नजर के खेल में नजर का खम निकल गया, ये दिल लगी तो कर ली पर जिगर का दब निकल गया। तो दावत सुखन देती हूँ राजवीर राज साहब को। जस टीवी आज की इस महफिल की संचालिका उर्मिल सखी जी, जी आपकी गजल के शेर रह जाएंगे, मेरे तमाम साथी और तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जी जी, कि आपने मौका दिया, मैं सीधा मकसद पे आता हूँ। जी आ जाइए, उसी में भलाई है। तो एक गजल तरन्नुम में करने की कोशिश करता हूँ। जी स्वागत जी। जो दिल में खुशी है तो दिल रो रहा है। अच्छा, क्या बात है। जो दिल में खुशी है तो दिल रो रहा है, ये किस बद्दुआ का हसे हो रहा है। क्या बात है, दिल रो रहा है, जो दिल में बद्दुआ का असर हो रहा है, है तो दिल रो रहा है। क्या बात, यूं पलकों पे अश्कों की चादर को ताने, यूं पलकों पे अश्कों की चादर को ताने, है पागल समंदर कहाँ सो रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। ये किस बद्दुआ का हसर हो रहा है। और फिर नजर आपकी कि वो गुलजार गुजरे लम्हे याद करके, वो गुलजार गुजरे लम्हे याद करके, ये गुलशन बेचारा सितम ढो रहा है, ये गुलशन बेचारा सितम ढो रहा है, जो दिल की लगी दिल लगी में हुशामिल। अच्छा भी सर है। जो दिल की लगी दिल लगी में हुशामिल, तो समझो कि दिल आईना खो रहा क्या है, है। वाह वाह। तो समझो कि दिल आईना खो रहा बहुत है।
और शेर देखिए, ये फूलों से लब ये गुलिस्तां सयोवन, ये फूलों से लब ये गुलिस्तां सयोवन, ये किस बागबान की नजर हो रहा है, ये किस बागबान की नजर हो रहा है। और शेर नजर करता हूँ साहब, ये खुदा मेरी मैयत को महफूज रखना, मैयत को महफूज, खुदा मेरी मैयत को महफूज रखना, नहीं और मुझसे सफर हो रहा है, क्या बात है, नहीं और मुझसे सफर हो रहा है। मक्ता पेश करता हूँ, ए पर्दा नशी रुख से पर्दा हटा लो, क्या बात है, ए पर्दा नशी रुख से पर्दा हटा लो, ये छुपना छुपाना खबर हो रहा है, ये छुपना छुपाना खबर हो रहा है, ये किस बद्दुआ का हसर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दर्शकों मैं बता दूं कि शायर जो भी दुआ करते हैं वो बद्दुआ में भी शायरी करेंगे तो वो दुआ होती है, क्योंकि दिल से दुआएं निकलती हैं, शायरी सभी के साझे सांझे जज्बात होती है। और इस कड़ी में आगे मैं दावत सुखन, जिन शायर को दावत सुखन दे रही हूँ मैं उनके बारे में बता दूँ, मैं बता भी चुकी हूँ राष्ट्रीय स्तर के सारे हमारे आज के मेहमान हैं, चारों चांद हमारे राष्ट्रीय स्तर के हैं, बड़े बड़े मंचों पर शिरकत करते हैं। इस कड़ी में अब जो है डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी को दावत सुखन देती हूँ, और एक शेर तो मैं उन्हीं को नज़र करती हूँ कि क्या खूब कहते हैं, मैंने कहा था ना बड़े छाट कर छटे हुए शायर लाई हूँ, और उनकी शायरी का एक शेर आपके सामने पेश है कि उनकी आंखें, नवीन जी, 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 जी उनकी आंखें पुर सफ़र कहती रही नज़्मे गज़ल, उनकी आंखें पुर सफ़र कहती रही नज़्मे गज़ल, मेरी आंखें लम्हा लम्हा वाह वाही में रही, मेरी आंखें लम्हा लम्हा वाह वाही रही। मैं ये देखिए सफर में भी ऐसा काम कर लेते हैं, ऐसे शायर हैं तो आप देखिए ना, छांट कर लाई हुए या छटे हुए आप खुद ही देख लीजिए। मेहरबानी जी। और नाज़रीन नहीं नहीं अभी अभी कुछ रहता है कि इनके अंदाज में कहती हूँ कि बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई गालिब, गालिब साहब ने कहा है लेकिन इन पे लागू होता है कि बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई गालिब, जिसे खुद से ज्यादा चाहोगे वो रुलाता जरूर है, जिसे खुद से ज्यादा चाहोगे वो रुलाता जरूर है। और दावत सुखन देती हूँ हसरत साहब को। मेहरबानी सखी जी, नाजरीन पेश खिदमत है एक मुकम्मल गजल जी। अच्छा मतला कुछ यूं है, कितना आसान दिल लगाना हो गया, क्या बात है, क्या बात, कितना आसान दिल लगाना हो गया, हाँ मगर मुश्किल निभाना हो गया, वाह क्या बात है, कितना आसान दिल लगाना हो गया हाँ मगर मुश्किल निभाना हो गया। और शेर देखिएगा, हाले दिल हमने कहा था आपसे, हाले दिल हमने कहा था आपसे, जाने कब ये एक फसाना हो गया, क्या बात, जाने कब ये एक फसाना हो गया, जब हाले दिल हमसे कहेंगे तो होगा ही फसाना, कितना आसान दिल लगाना हो गया। और शेर देखिएगा, ले गया जहां रूठ कर जाना तेरा, क्या बात है, ले गया जहां रूठ कर जाना तेरा, दिल मेरा गम का ठिकाना हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल मेरा गम का ठिकाना हो गया। और अलहदा किस्म का शेर हो गया है भाई कि छोड़ दारू मशवरा था वैद्य का, क्या बात है, छोड़ दारू मशवरा था वैद्य का, तेरा कहना तो बहाना हो गया, तेरा कहना तो बहाना हो गया। और शेर देखिएगा, खो गया यादों में उसकी इस कदर, क्या बात है, खो गया यादों में उसकी इस कदर, खुद को ढूंढे एक जमाना हो गया, क्या बात, खुद को ढूंढे एक जमाना हो गया। और नवीन भाई हासिल गजल से रहे कि वक्ते रुखसत हंस दिए थे वो मगर,
वक्त रुखसत हंस दिए थे वो मगर अश्क का गिरना फसाना हो गया। क्या दर्द है, वक्ते रुखसत हंस दिए थे वो मगर अश्क का गिरना फसाना हो गया। और मख्तार्ज कर रहा हूँ कि क्या पता अब कब कहाँ कैसे मिले। क्या बात है, क्या पता अब कब कहाँ कैसे मिले, दर बदर हसरत ठिकाना हो गया, दर बदर हसरत ठिकाना हो गया, कितना आसा दिल लगाना हो गया, हाँ मगर मुश्किल निभाना हो गया, हाँ मगर मुश्किल निभाना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा शायरों का क्या हाल होता है, दर बदर ठिकाना हो जाता है, और जब तक दर बदर नहीं होते तब तक शायरी होती ही नहीं। आप हमारे शायरों का मुस्कुराता हुआ, भाई मुस्कुरा दो, मैं मुस्कुराता हुआ चेहरा बोल रही हूँ। दरअसल ये अपनी शायरी में गुम है, और होना भी चाहिए, शायर थोड़ा गुमसा अच्छा लगता है पर गुमसुम सा नहीं लगता। और अब मैं फिर से दावत सुखन देती हूँ, परिचय सबके हो चुके हैं, जान चुके हैं आप, और अब मैं फिर से दावत सुखन देती हूँ नवीन नीर जी को। जी नवीन जी, खाक लेकर मेरी उड़ाना तुम, अच्छा खाक लेकर मेरी उड़ाना तुम, मुझको जीते जी मार जाना तुम, खाक लेकर मेरी उड़ाना तुम, मुझको जीते जी मार जाना तुम, मैं तुम्हें रोज याद करता हूँ, मैं तुम्हें रोज याद करता हूँ, बदले में रोज ही भुलाना तुम, मैं तुम्हें रोज याद करता हूँ, मैं तुम्हें रोज याद करता हूँ, बदले में रोज ही भुलाना तुम, मेरी आंखों में पानी आ जाए, मेरी आंखों में पानी आ जाए, खुल के इतना मुझे हंसाना तुम, बहुत अच्छे, मेरी आंखों में पानी आ जाए, क्या बात है, खुल के इतना मुझे हंसाना तुम, पास मेरे हैं तेरी यादें बस, पास मेरे हैं तेरी यादें बस, लूट लो मेरा सब खजाना तुम, पास मेरे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे, पास मेरे हैं तेरी यादें बस, लूट लो मेरा सब खजाना तुम, अपने चेहरे पे रखना खामोशी। सुशील भाई जी, अपने चेहरे पे रखना खामोशी, शोर अंदर से बस मचाना, क्या बात है, शुक्रिया, अपने चेहरे पे रखना खामोशी, शोर अंदर से बस मचाना तुम। और गजल का आखिरी शेर जी इरशाद, राजबीर जी जी इरशाद, फिर मुझे छोड़ के चले जाना, फिर मुझे छोड़ के चले जाना, ढूंढ लो फिर नया बहाना, अरे वाह, फिर मुझे छोड़ के चले जाना, ढूंढ लो फिर नया बहाना तुम, खाक लेकर मेरी उड़ाना तुम, मुझको जीते जी मार जाना तुम, मैं तुम्हें रोज याद करता हूँ, बदले में रोज ही भुलाना तुम। मैंने तो दोस्तों पहले ही कहा था कि कागज कलम उठा लो, लिख लो, एक एक शायर का एक एक शेर जो है काबिल तारीफ है, काबिल गौर है और लिखने के काबिल है। और अब मैं दावत सुखन देती हूँ कृष्ण कांत सारथी जी से। जी हाँ, वो साहित्य में जो आजकल कर रहे हैं और बहुत ही काबिल तारीफ है, और मैं फिर से दावत सुखन देती हूँ, परिचय आपका हो ही चुका है। जी बहुत शुक्रिया, सीधा गजल पे आता हूँ। ये चांद तारे हैं तेरे ही नूर से हमदम, क्या बात है, ये चांद तारे हैं तेरे ही नूर से हमदम, किसने बनाया ये जहां, इसने नहीं उसने, जानी नहीं उल्फत की शिद्दत मेरे ही दिल ने, जानी नहीं उल्फत की शिद्दत मेरे ही दिल ने, महबूब के ही सामने चालें चली उसने, क्या बात है, क्या बात है, जानी नहीं उल्फत की शिद्दत मेरे ही दिल ने, महबूब के ही सामने चालें चली उसने, जाना नहीं हुस्नो अदब अब तक यहाँ जिसने, क्या बात है, जाना नहीं हुस्नो अदब अब तक यहाँ जिसने, दर्दे जिगर क्या समझे उल्फत की नहीं उसने, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जिसने जिसने उल्फत नहीं की, मोहब्बत नहीं की, वो दर्द जिगर क्या जाने, क्या खूब कहा, जाना नहीं हुस्न अदब अब तक यहाँ जिसने, दर्द जिगर क्या समझे
उल्फत की नहीं उसने, पैमाने जंगों की हवस में लगते बेमानी। क्या बात है, पैमाने पैमाने जंगों की हवस में लगते बेमानी, जिसकी लुटी है दुनिया क्या आहें भरी उसने। क्या बात है, पैमाने जंगों की हवस के लगते बेमानी, जिसकी लुटी है दुनिया क्या आहें भरी उसने, माना नहीं अब बहारे खुशबू उस गुल में। क्या बात है, माना नहीं है अब बहारे खुशबू उस गुल में, शहरे हसद को कर दिया लेकिन हसी उसने। क्या बात है, माना नहीं है अब बहारे खुशबू उस गुल में, शहरे हसद को कर दिया लेकिन हसी उसने, ये चांद तारे हैं तेरे ही नूर से हमदम, किसने बनाया यह जहां इसने नहीं उसने। क्या बात, क्या बहुत शुक्रिया, बहुत खूब बहुत खूब। और अब दावत सुखन देती हूँ राजवीर राज साहब को, और परिचय तो पहले ही हो चुका है, अंदाज के शायर हैं जी। चलिए एक नई गजल पेश करता हूँ आपके सामने। गलत सी फहमियां दिल से लगाए बैठे हैं। क्या बात है, गलत सी फहमियां दिल से लगाए बैठे हैं, लगा जैसे हमें वो आजमाए बैठे हैं। क्या बात है, वाह, लगा जैसे हमें वो आजमाए बैठे हैं। और नीर भाई जी जी, कि जिन्हें खुशियां कराना पार दरिया मुश्किल था, जिन्हें खुशियां कराना पार दरिया मुश्किल था, वही गम को किनारे पर लगाए बैठे हैं। क्या बात है, वही गम को किनारे पर लगाए बैठे हैं। बहुत सी दाद तुम दोगे हमारी गजलों पर, बहुत सी दाद तुम दोगे हमारी गजलों पर, बड़ी उम्मीद हम तुमसे लगाए बैठे हैं। क्या बात है, वाह, बड़ी उम्मीद हम तुमसे लगाए बैठे हैं। ओ भाई दाद, वाकई गजल अपने आप में दाद के। और शेर देखिए, नजर है आपकी जी जी, कि उन्हें ताबीर से वाकिफ करूं तो क्या होगा। अच्छा, उन्हें ताबीर से वाकिफ करूं तो क्या होगा, जो मेरे ख्वाब से ही तिल मिलाए बैठे हैं। क्या बात है, उन्हें ताबीर से वाकिफ करूं तो क्या होगा, जो मेरे ख्वाब से ही तिल मिलाए बैठे हैं। वाह, और सुरा साकी निगाहें जाम शीशा पैमाना, सुरा साकी निगाहें जाम शीशा मैं खाना, अमा शायर हैं हम तो गुल खिलाए बैठे हैं। अमा शायर हैं हम तो गुल खिलाए बैठे जी, हैं जी जी। और राज साहब सबके दिलों की बात कह रहे हैं, हमारे कैमरामैन भी हंस रहे हैं क्योंकि शायरी के साथ क्या क्या सामान चाहिए। सुरा साकी निगाहें जाम शीशा मैं खाना जी, अमा शायर है हम तो गुल खिलाए बैठे हैं। और मक्ता पेश करता हूँ कि ये खिड़की खोल कर देखो सड़क पर मिलते हैं। अच्छा, ये खिड़की खोल कर देखो सड़क पर मिलते हैं, बहुत से राज हैं जो बिल बिलाए बैठे हैं। क्या बात है, बिल बिलाए बैठे हैं, क्या काफिया है। ये खिड़की खोल कर देखो सड़क पर मिलते हैं, बहुत से राज हैं जो बिल बिलाए बैठे हैं। गलत सी फहमियां दिल से लगाए बैठे हैं, लगा जैसे हमें वो आजमाए बैठे हैं। वाह, शुक्रिया, बहुत खूब, थैंक यू। दोस्तों, मुझे पता है कि आज पूरा लुत्फ ले रहे हैं और एक एक शेर सीधा दिल तक जा रहा है, और मुझे यकीन है कि आप नोट भी कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि आज मेरे जो चार चांद हैं इस आंगन में, जो मैं लेकर आई हूँ चार चांद, इनके लिए मैं अपनी तरफ से एक शेर कहती हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ये शेर मुकम्मल बैठता है कि तकदीर क्या होती है ये तकदीर ही जाने, तकदीर क्या होती है ये तकदीर ही जाने, हमने तो मुकद्दर बनाया है बड़े इम्तिहानों से। तो बहुत ही मेहनत करके अपनी जिम्मेदारियों के साथ, पूरे अदब के साथ, संस्कारिक तरीके से साहित्य की बागडोर संभाले हुए हैं और समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात,
कि समाज को, साहित्यिक वर्ग को एक सूत्र में बांधते हैं। हर सप्ताह एक दो सप्ताह में एक दो कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सम्मेलन होते हैं, जहाँ पर शहर के तमाम साहित्यकार एकत्रित होते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मंच जो है, मंच संस्थापक हैं, मंच को आयोजित करते हैं, यानी सारा कार्यक्रम जो करवाते हैं आयोजक हैं, राजवीर साहब स्वयं मंच सज्जा करवाते हैं और आयोजक हैं, कार्यक्रम खुद अपने दम से मुकम्मल करवाते हैं, नवीन नीर बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं और हसरत साहब के अपने मंच हैं, अपना सारथी जी हैं, सभी ऐसे संस्थापक हैं संस्थाओं के जिन्होंने साहित्य के अदारे खोले हुए हैं, और जो नवोदित लेखक हैं उनको मौका देते हैं, उनको पेमेंट भी देते हैं, खर्चे भी करते हैं, एक मंच पर सबको बुलाते हैं, यानी साहित्यिक परिवार का विकास विस्तार जो हो रहा है आप तमाम शायरों की वजह से शहर में विकसित हो रहा है। मुशायरा में और रोशन है शम्मा हमारी शायरी की, और दावत सुखन देते हैं फिर से डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी साहब को। जी सुशील जी। नाजरीन, गजल का मतलब कुछ यूं है, समझ फरमाइएगा। जी जी। कहने को यूं तो बात भर हूं मैं, कहने को यूं तो बात भर हूं मैं, गर लगूं दिल पे तो शरर हूं मैं। क्या बात है। कहने को यूं तो बात भर हूं मैं, गर लगूं दिल पे तो शरर हूं मैं। हसरत साहब हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दें, शरर क्या होता है। चिंगारी जी, क्योंकि कई बार होता है कि हमें मतलब नहीं पता होता। जी। कहने को यूं तो बात भर हूं मैं, गर लगूं दिल पे तो शरर हूं मैं। जी। और शेर देखिएगा, बेरुखी से तू यूं ने देख मुझे। क्या बात है। बेरुखी से तू यूं ने देख मुझे, जैसा भी हूं तेरा सफर हूं मैं। क्या बात है, वाह वाह। बेरुखी से तू यूं ने देख मुझे, जैसा नहीं हम नहीं देख रहे, तेरा सफर हूं मैं। और खास तवज्जो चाहूंगा, वक्त की गर्द ने दबा डाला, सबने भुला दिया मगर हूं मैं। क्या बात है, वाह। सबने भुला दिया मगर हूं मैं, और जाने मन कोई तो इशारा कर। क्या बात है, क्या बात है। जाने मन कोई तो इशारा कर, तेरे दिल में कहीं अगर हूं मैं। क्या बात है, क्या अंदाज है, वाह। जाने मन कोई तो इशारा कर, तेरे दिल में कहीं अगर हूं मैं, और मुझसे तू कोई आस मत रखना। होनी भी नहीं चाहिए। मुझसे तू कोई आस मत रखना, ख्वाहिशों में घिरा नगर हूं मैं। क्या बात है, क्या ख्वाहिशों में घिरा नगर हूं मैं। और हर जुबां पर मेरे ही चर्चे हैं। क्या बात है। हर जुबां पर मेरे ही चर्चे हैं, गोया इंसान नहीं खबर हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। हर जुबां पे मेरे ही चर्चे हैं, गोया इंसान नहीं खबर हूं मैं। और शेर देखिएगा, तुम बला की हसीन हो माना। क्या बात है। बला की हसीन हो माना, जो करे कदर वो नजर हूं मैं। क्या बात है, जो करे कदर किसी को मुखातिब कर दो, किसी को मुखातिब करके कहिए ना, बेरुखी से क्यों कर। सखी जी की नजर, तुम बला की हसीन हो माना, जो करे कदर वो नजर हूं मैं। क्या बात है। जो करे कदर वो नजर हूं मैं। और शेर देखिएगा, कोई पत्थर जरूर आएगा। क्या बात। कोई पत्थर जरूर आएगा, पेड़ पर झूमता समर हूं मैं। क्या बात है। पेड़ पर झूमता समर हूं मैं। सबर का मतलब भी हमारे दर्शकों को बताएं। समर का मतलब फल, फल यानी एक पका हुआ फल है। कोई पत्थर तो जरूर आएगा, कोई पत्थर जरूर आएगा, पेड़ पर झूमता समर हूं मैं। क्या बात। और शेर सुनिएगा, कुछ तो आदाबे हम सफर दिखला। क्या कुछ तो आदाबे हम सफर दिखला, आखिरस तेरी रह गुजर हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। आखिरस तेरी रह गुजर हूं मैं, और राज कोई छुपा नहीं हमसे। राज कोई छुपा नहीं मुझसे, तेरे ही साए की नजर हूं मैं। क्या बात है। राज कोई छुपा नहीं मुझसे, तेरे ही साए की
नजर हूँ मैं और मक्तार्ज है, यूं ने हैरत से तक मुझे हसरत। क्या बात है। यूं ने हैरत से तक मुझे हसरत, तेरे एहसास का असर हूँ मैं। क्या बात है। यूं ने हैरत से तक मुझे हसरत, तेरे एहसास का असर हूँ मैं। कहने को यूं तो बात भर हूँ मैं, घर लगूं दिल पे तो शरर हूँ मैं। और नाजरीन जो मोहतरमा हम सब को दाते सुखन पेश करने जा रही हैं। मैं भी कह दूं अपने दर्शकों से कि दौरे हाजिर में दिल के जज्बातों को कितनी खूबसूरती से अपने एहसासों को बयां किया जा सकता है, ये आज आप इस मुशायरे में देख रहे हैं। जी, मैं उन मोहतरमा साहिबा को दावत सुखन पेश कर रहा हूँ जो अभी हमें सबको जहमत कलाम पेश कर रही थी। जी। मेरी मुराद उर्मिला कौशिक सखी जी से है कि वो भी अपने कलाम से हमें रूबरू कराएं। जी। उर्मिला कौशिक सखी जी। जी। और आप सभी मेरे सखा यहाँ बैठे हैं और मैं आपकी सखी हूँ और बड़ी प्यार मोहब्बत से आपने मुझे जो है दावत सुखन दी हसरत साहब, आपके प्यार को कबूल करती हूँ। और गजल का एक एक शेर सभी के दिल तक जाएगा, बहुत गहरे भाव में डूब कर गहरे हालातों में लिखा हुआ शेर है एक एक। और जी, मजबूत मतला हाजिर है जी। नवीन जी, जी जी बिल्कुल। मजबूत लोहे को भी लोहा काट जाता है जी, मजबूत लोहे को भी लोहा काट जाता है, जब नफरत हद से ज्यादा हो तो रिश्ता हार जाता है। जब नफरत हद से ज्यादा हो तो रिश्ता हार जाता है, मजबूत लोहे को भी लोहा काट जाता है। और सारथी जी, जी आपकी नजर। जी जरूर। कल तुम्हारी बातें सारथी जी, कल तुम्हारी बातें समझ में पहली बार आई। कल तुम्हारी बातें समझ में पहली बार आई, ये मेरे दिल का दरिया इस पार तेरा उस पार जाता है। ये मेरे दिल का दरिया इस पार तेरा उस पार जाता है। कल तुम्हारी बातें समझ में पहली बार आई, मजबूत लोहे को भी लोहा काट जाता है, जब नफरत हद से ज्यादा हो तो रिश्ता हार जाता है। और देखिए शेर पे सभी का ध्यान चाहती हूँ। तुम मेरे पास मत आना, तुम मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें दूर नहीं करूंगी, बहुत लिपटो बहुत चिपटो तो एहसास यार जाता है। बहुत लिपटो बहुत चिपटो तो यार एहसास जाता है, जब नफरत हद से ज्यादा हो तो रिश्ता हार जाता है। और देखिए हसरत साहब, आपको नजर करती हूँ। झूठे प्यार का इजहार अब और मत करना मुझसे तुम, झूठे प्यार का इजहार बस अब और मत करना तुम, ज्यादा नाटक नौटंकी से एतबार जाता है। जी, ज्यादा नाटक नौटंकी से एतबार जाता है। और नवीन जी देखिए, राज साहब, बड़ी मुश्किल से मिली थी फुर्सत, सखी उसमें भी रुसवा किया। बड़ी मुश्किल से मिली थी फुर्सत, सखी उसमें भी रुसवा किया, अब तो ये आलम है कि इतवार भी बेकार जाता है। अब तो ये आलम है कि इतवार भी बेकार जाता है, मजबूत लोहे को भी लोहा काट जाता है, जब नफरत हद से ज्यादा हो तो रिश्ता हार जाता है। और दोस्तों, अब तो मैं मक्ते में हूँ, गजल का भी मक्ता हो गया है और मुशायरे का भी मक्ता चल रहा है। और मैं सबसे पहले अपने जो मेरे जस्ट टीवी प्रांगण में आज महफिल मुशायरे के चार चांद हैं, सारथी जी हैं, हसरत साहब हैं, नवीन नीर जी हैं और राज साहब हैं, आप सभी का मैं दिल से ममनून हूँ मैं आपकी, और धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि आप आए, व्यस्तता के बावजूद आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और जस्ट टीवी के अपने सभी दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी ईमेल्स के माध्यम से, आपकी कॉल्स के माध्यम से, लाइव शोज में आपकी कॉल्स आती हैं, आपकी ईमेल्स आती हैं, इन्फो करते हैं, आपका प्यार हमें दिन ब दिन मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हम भी पूरी शिद्दत से लेकर आते हैं आपकी महफिल में शायर एक से बढ़कर एक। और दोस्तों, समय है रुखसती का, और जाते वक्त तो मैं यही कहूंगी कि किसी भी इन्फो के लिए आप हमें सुझाव राय प्रतिक्रिया देना चाहें तो info@justbroadcasting.com पे हमें संपर्क करें, अपना प्यार यूं ही बरकरार रखें। और अब मुझे और मेरे साथियों को दीजिए अनुमति, प्रणाम।